आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क एंड आर्किटेक्ट हैज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर द शेप हैज अ क्यूबॉइड व्हिच इज स्टैंडिंग ऑन टू सिलेंड्रिकल बीम्स द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इज 1.5 इंटू 3 इंटू 0.5 मीटर एंड डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर्स आर ऑफ हाइट 2 मीटर इंटू डायमीटर 0.6 मीटर। ठीक है, तो इसलिए देखो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे, एज स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइड इज मेड ऑफ कंक्रीट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है ना, इसने देखो क्या कहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है इंटू एच, दैट इज इक्वल टू, तो देखो मल्टीप्लाई करो 1.5 इंटू 3 इंटू 0.5, 1.5 इंटू 3 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 1.5 इंटू 3 कितना हो गया 4.5, 4.5 4.5 इंटू 0.5 तो कितना हो गया 5 5 25 टू कैरी 5 4 20 प्लस 2 इज 20 एंड पॉइंट के बाद 2 है तो हमारा कहां पर आएगा 2.25 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सॉरी, व्हिच इज अ मीटर क्यूब, यस मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो लेटरल सरफेस हमारा क्या होता है, फोर वॉल्स और यू कैन से वॉल का एरिया और यू कैन से सीएसए ऑफ अ सिलेंडर, तो सीएसए ऑफ अ सिलेंडर तो सीएसए ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2πRh। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स। अब आपको निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स, तो पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है πR²h, लेकिन सिलेंडर्स कितने हैं 2 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर, तो आर देखो क्या दिया इसने, डायमीटर इज 0.6 तो रेडियस कितना हो गया 0.3 है ना, तो 0.3 अगर रेडियस है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, तो सेम हम लिखेंगे यहां पर 3/10 इंटू 3/10 इंटू एच, एच कितना दिया है उसने 2, तो यहां पर हो गया आपका 2, मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है आपका 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 22 इज 88, तो इधर आ गया आपका 88 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 बाई 7 इंटू 100, तो 700, तो दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 9 8 9 8 60 72, 7 कैरी अगेन 72 प्लस 7 इज 79, तो 792/700। अब 7 के साथ डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा 1 अगेन 1 22, 22 मीन्स 3 times, फिर पॉइंट है ना, तो 10 दैट मीन्स 1 times, फिर 4 times, फिर यहां पर क्या बच गया आपका 100 100, तो अगर 100 है तो किधर आएगा पॉइंट, विल कम हियर, तो दैट मीन्स व्हाट इज दैट 1.131
14 meter cube. ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ क्यूबॉइड इज टू बी पेंटेड रेड, हाउ मच एरिया नीड टू बी पेंटेड। अगर आपको ये क्यूबॉइड पेंट करना है तो कितना एरिया आप पेंट करोगे? तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे TSA ऑफ अ क्यूबॉइड, तो क्या होता है हमारा 2 into LB plus BH plus HL, ठीक है। तो लेकिन आप ये देखो, ये जो पोर्शन है ये आपका सिलेंडर नीचे से अटैच है, उतना पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा, उसको आप पेंट नहीं कर सकते। तो देयर आर टू सर्कल्स, तो माइनस टू एरिया ऑफ सर्कल, माइनस टू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, यू कैन गो फॉर इसके जो फिगर्स है या मेजरमेंट्स है तो उससे आप करोगे तो यू विल गेट अ बिग आंसर। नेक्स्ट, इफ क्लॉथ इज नीडेड टू कवर सिलेंड्रिकल पार्ट, हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको आपको कपड़े से ढकना है ना, उसके लिए कितना चाहिए? तो अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है यहां पर ऊपर, वो तो उसके साथ अटैच है, वहां पर तो कपड़ा नहीं लगेगा। और ये देखो नीचे क्या है, फ्लोर है ना, जमीन है, ग्राउंड है, वहां पर कपड़ा नहीं चाहिए आपको। तो हम यहां पर निकालेंगे CSA ऑफ अ सिलेंडर इंटू टू, तो यहां पर आपको करना है 2 into CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 2 into CSA ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2 pi RH, दैट इज इक्वल टू 2 into 2 is 4, पाई इज 22/7, आर रेडियस कितना लिया है 3/10 हमने लिया है ना, तो 3/10 इंटू एच, एच इज अगेन 2, तो 2, तो दिस इज इक्वल टू 88 into 6/70, दैट इज इक्वल टू, तो ये देखो कितना मल्टीप्लाई, 48 4 carry 48 52 by 70, 7 के साथ डिवाइड कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40 42 49, दैट मीन 7 times, फिर 38, तो 38 मीन्स 5 times, कितना बचा आपका 30 30, दैट मीन्स पॉइंट, तो फिर 4, फिर 20, तो 20 दैट मीन 3 है ना, राउंड फिगर वी कैन टेक 3, तो यहां पर आपका 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 10, तो दैट इज इक्वल टू वी कैन से 7.543 क्या है आपका मीटर स्क्वायर। तो इतना आपको क्लॉथ चाहिए, ठीक है।